झुंझुनू से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। यहां 15 साल की नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया है। इस मामले में आज से पहले तक ना तो पीड़िता और न ही उनके परिजनों को पता चला कि नाबालिग को गर्भ है। मुखबिर की सूचना पर महिला थाने में सुरक्षा सलाह केंद्र की टीम अस्पताल पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। सूत्रों की माने तो पुलिस को इस बारे में सूचना मिली थी कि नाबालिग ने अवैध संबंधों से एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसका प्रसव झुंझुनू के निजी अस्पताल में हुआ है। संभावना यह है कि परिजन नवजात बच्ची को अवैध पैदाइश छुपा के लिए कहीं फेंक सकते हैं। इस पर महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के संचालक सामाजिक कार्यकर्ता राजेश अग्रवाल अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। ये हमारे महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र चलता है महिला थाने में, तो हमें सूचना मिली आज हॉस्पिटल के संचालक जो आस्था हॉस्पिटल झुंझुनू का है कि यहाँ एक नाबालिग बच्ची के बच्चा होने वाला है। तो मैं और हमारी टीम यहाँ पहुँचे, महिला सुरक्षा सलाह केंद्र की परामर्शदाता सरोज और हम लोग यहाँ आए, बच्ची को देखा तो ये बिल्कुल नाबालिग थी, 15 साल की थी। इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मैं जब स्कूल पढ़ने जा रही थी तो गांव का ही एक युवक मेरे को बेला फुसला कर खेत में ले गया और मेरे से दुष्कर्म किया। ये ना समझती, इस बात को समझ नहीं पाई कि इसके साथ क्या हुआ है, और इसने घर वालों को आज तक नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। अभी ये आज इसकी डिलीवरी हुई है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है इसकी बच्ची, और बिना ऑपरेशन के बिना सीजीरियन के इसकी बच्ची हुई है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसके तहत हम ये चाहेंगे कि